अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। देखें, बाकी लोगों की तरह ये जो मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ हैं ना, ये भी पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ़ समझती हैं और पाकिस्तानियों के साथ फ्रॉड करने की कोशिश करती हैं। तो टेंशन नहीं लेना, आपका भाई यहाँ पे बैठा हुआ है ना, आपको तमाम सच्चाई बताएगा। तो आज हम एक ऐसे मोबाइल फ़ोन के बारे में बात करने वाले हैं जिसका जो पिछला मॉडल था ना, अब जो मॉडल लॉन्च हुआ है उससे वो अच्छा था, यानी अब वाला मॉडल उससे बुरा है। तो बेसिकली मैं बात करूं ओप्पो रीनो 12 5 की और इसके 4G वेरिएंट की हम बात करेंगे। पाकिस्तान में 5G वेरिएंट भी लॉन्च हुआ है लेकिन वो हमारे किस काम का मैं आज तक पता नहीं चला। तो इस मोबाइल फ़ोन के ना ये अराउंड कोई 70,000 के करीब मोबाइल फ़ोन आ रहा है और हम मान दें जी पाकिस्तान में टैक्सेस वगैरह ज़्यादा हैं और सारा कुछ ज़्यादा है, लेकिन इतना बेवकूफ़ बनाने की आवाम को आप कोशिश करोगे, ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और आप सोच रहे हैं कि आप आसानी से बेवकूफ़ बना लोगे, नहीं भाईजान, हम बैठे हैं ये आपको ना थोड़ा बताते शताते हैं। तो इस मोबाइल फ़ोन को बेसिकली जो सेलिंग पॉइंट है और जिस चीज़ को आवाम को बेवकूफ़ बना के बेचने की कोशिश की जा रही है ना, वो है जी AI। इन्होंने कहा है जी स्टेप इनटू द AI वर्ल्ड। भाई AI के लिए हम मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते, हम परफॉर्मेंस के लिए मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। अब अपने मोबाइल फ़ोन की परफॉर्मेंस दें, ये ओप्पो रीनो 12 वाले परफॉर्मेंस का आपका ये हाल है कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्नैपड्रैगन 685 आपने लगाया हुआ है, जबकि पिछले जो आपका मॉडल था उसमें तो इससे अच्छा चिपसेट था, 6 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर यह बेस है। तो परफॉर्मेंस में आपने डाउनग्रेड किया है, इसके अलावा आपने कैमरा में डाउनग्रेड किया है, स्क्रीन तो आपकी वही है, स्क्रीन तो वही पुरानी चली नहीं होगी, वही उठा के लगा देंगे। तो मतलब आप क्या करने का, आप आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं, आवाम AI के नाम पे मोबाइल फ़ोन ले लेगी। वैसे ले भी लेते हैं आवाम, ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन मोबाइल फ़ोन के अंदर AI की हमें ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तानी मार्केट में AI का हमने क्या करना है, आधे से ज़्यादा लोगों को तो मोबाइल के फीचर्स का नहीं पता होता, तो AI को उन्होंने अचार डालना है। तो मोबाइल की स्पेसिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं। तो स्क्रीन जो हमारे पास है वो 6.67 इंचेस की स्क्रीन और 120 जो हर्ट्ज़ है उसका रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिल जाएगा। AMOLED स्क्रीन हमारे पास होने वाली है, स्नैपड्रैगन 685 जैसे कि मैंने आपको बताया वो वाला आपको देखने को मिल जाएगा। और कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, जब से इससे पिछले मॉडल में जो कैमरा हमारे पास इस्तेमाल किया गया था वो 64 मेगापिक्सल का किया गया था। मतलब 50 मेगापिक्सल का कैमरा, सीरियसली ब्रो, मतलब आप क्या ही कह सकते हैं, सलाम हो गया आपको। साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल भी दिया गया है जो कि शायद 120 का है, शायद मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ, यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ था। इसके साथ 2 मेगापिक्सल का हमारे पास माइक्रो कैमरा लगाया गया, कुछ ज़्यादा नहीं लगा लिया, ये 2 मेगापिक्सल का वापस ले लो, हमने क्या करना है 2 मेगापिक्सल का। और साथ में 5000 mAh की बैटरी आपको देखने को मिल जाएगी, वेल एंड गुड। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, आपको 20-30 हज़ार की रेंज वाले मोबाइल में भी मिल जाता है, खैर 20-30 हज़ार वाला मोबाइल तो आजकल नहीं आ रहा। और साथ में 45 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल रही है। देखें, जो मेन इशू है ना इसका, जो हमारे पास है ना, क्या कहते हैं, मैं भी मरियम नवाज शरीफ की तरह लिख रहा हूँ, थोड़ा बहुत आगे भी हो सकता है, इसका जो मेन सेलिंग पॉइंट है ना वो AI है। और AI भी आपने लिमिटेड डाला हुआ है, आपने पॉइंट्स वगैरह डाल दिए और एक पॉइंट पे जाके वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पेड हो जाएगा। तो ये तो फिर अच्छी बात न हुई ना, मतलब आप AI को घुसा रहे हैं हर चीज़ में। बेसिकली मोबाइल खरीदते हैं परफॉर्मेंसेस को देख कर, डिज़ाइन आपका नो डाउट ठीक ठाक है, मतलब इतना बुरा डिज़ाइन नहीं है, लेकिन मेन इशू ये है कि परफॉर्मेंसेस कहाँ पे है। स्नैपड्रैगन आपने कोई बाबे आदम का ज़माने का डाला हुआ है, तो ये परफॉर्मेंस वाली चीज़ तो नहीं है, 6 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, तो ये एक अजीब सी चीज़ हो जाती है। 70,000 का मोबाइल दे रहे हैं और उसमें आप तो ये ऐसी चीज़ें दे रहे हैं, कीमत के मतलब स्पेसिफिकेशंस के लिहाज से अराउंड इसको कहीं पे 45,000 या मैक्सिमम कर लें तो 55,000 के करीब करीब होना चाहिए था, लेकिन 70,000 बेवकूफ़ समझते हैं आवाम को, हैं थोड़ी बहुत वो हम भी मानते हैं, लेकिन इतने बेवकूफ़ भी नहीं है जितना आप लोगों ने बनाना शुरू कर दिया। तो आपने अगर ओप्पो रीनो 12 लेना है तो कोई लेने की ज़रूरत नहीं है, इसका पिछला मॉडल ले लो, वो इससे काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और 5G वाला तो वैसे ही चूना है, उसमें फिर आपकी कीमत वगैरह बढ़ जाएगी, तो 5G का पाकिस्तान में अभी आने का कोई चांसेस वगैरह नहीं है। तो ये हालात चल रहे हैं कंपनीज़ को, इस तरह आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और आवाम बन रही है और तालियाँ बजा रही है, बजाते रहे तालियाँ, बेवकूफ़ बन रहे हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो काफ़ी अर्से बाद ये वीडियोस में मैंने वापसी की है, तो अब टेक वीडियोस भी साथ साथ बनाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।